मेरे परिवारजनों कांग्रेस के पास भविष्य की सोच ही नहीं बची है कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है अब कांग्रेस में ना देखने का सामर्थ्य बचा है न देश हित को समझने का इसलिए आप देखेंगे साथियों आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका प्यार ही मेरी ताकत है बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों साथियों आप देखेंगे कि कांग्रेस विकसित भारत से जुड़े हर प्रोजेक्ट की आलोचना करती है आपको याद होगा कांग्रेस ने डिजिटल इंडिया का भी विरोध किया था आज भारत के यूपीआई से पूरी दुनिया मंत्र मुग्ध है भारत में रिकॉर्ड डिजिटल लेन देन हो रहे हैं लेकिन कांग्रेस को ये भी पसंद नहीं है साथियों भाजपा आज आधुनिक सर्वे आधुनिकतम सड़कें, चौड़े हाईवे एक्सप्रेसवे बना रहा है लेकिन कांग्रेस इसकी आलोचना करती है भाजपा आज वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें ला रही है स्टेशनों का कायाकल्प कर रही है भोपाल के रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की प्रशंसा हर कोई कर रहा है ये भी कांग्रेस को नहीं पच रहा है भाजपा बुलेट ट्रेन पर काम कर रही है इसकी भी कांग्रेस आलोचना करती है भाजपा सरकार ने नया भव्य संसद भवन बनाया आने वाली सदियों तक देश की सेवा करे ऐसा भारत का अपना संसद भवन बना पूरा देश इसकी बुरी बुरी प्रशंसा कर रहा है लेकिन कांग्रेस ने पहले दिन से ही विरोध करना शुरू कर दिया अब भी नकारात्मकता फैला रहा है कांग्रेस वाले भारत कुछ भी नया करे भारत कोई भी उपलब्धि हासिल करे कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आता है मैं जरा मध्य प्रदेश के लोगों से पूछ रहा हूं जवाब देंगे आप एक सवाल पूछ रहा हूं जवाब देंगे आप मुझे बताइए देश का नाम रोशन हो तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती है देश की इज्जत बढ़े तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती है देश का मान बढ़े तो आपको गौरव होता है कि नहीं होता है आपको होता है कांग्रेस वालों को नहीं होता है क्योंकि कांग्रेस ना खुद बदलना चाहती है और ना ही देश को बदलने देना चाहती है साथियों देश समृद्धि की तरफ बढ़ने के लिए गौर परिश्रम कर रहा है लेकिन कांग्रेस देश को बीसवीं शताब्दी में ले जाना चाहती है मैं मध्य प्रदेश के युवा साथियों को हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को एक बात जरूर बताना चाहता हूं मेरे नौजवान साथियों मेरी बात गौर से सुनिए और घर जाकर के अपने माता जी पिताजी नाना नानी दादा दादी जरा मैं जो कह रहा हूं उनसे बात कीजिए उनसे पूछिए मेरे युवा साथियों आपके माता पिता आपके दादा दादी को अभाव में रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है उनको मुसीबत में जीने के लिए मजबूर करने वाली एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी है आज दुनिया भारत को लेकर जो कुछ कह रही है ये सारे गौरवपूर्ण काम पहले भी हो सकता था लेकिन कांग्रेस सिर्फ एक परिवार का गौरव गान करने में ही जुटी रही कांग्रेस ने प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया कांग्रेस भारत में भ्रष्ट व्यवस्था को पोषित करने में ही जुटी रही कांग्रेस की राजनीति अभाव में फलती फूलती है गरीबी और मुश्किलों में फलती फूलती है इन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि गरीब को हमेशा हाथ फैलाना पड़े हर चीज के लिए निर्भर रहना पड़े गरीब को तरसा कर को ये जताने का अवसर मिल जाता था कि उन्होंने गरीब को कुछ दिया है ये अपनी योजनाओं का लाभ भी उन लोगों को देते थे जिनसे उन्हें वोट मिलते थे इसलिए कांग्रेस ने जानबूझकर देश को गरीब रखा देश के लोगों को अभाव में जीने के लिए मजबूर किया रोटी कपड़ा मकान में ही उलझाए रखा